नमस्कार। आप सभी अपनी जीत, उपलब्धि और खुशी का उत्सव मनाते ही होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी अपनी हार का या नुकसान का उत्सव मनाया हो? किसी को भी हारना पसंद नहीं होता। हारना एक ऐसा पहलू है जिससे बहुत से लोग डरते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि हारना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर मैं कहूं कि सही समय पर हारना एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि ये बात समझ लीजिए कि जब हम जीतते हैं तो ये निश्चित है कि हम जो कर रहे हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जब हम हारते हैं तो ये बताता है कि हम किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं। असफलता हमें बताती है कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। असफलता बदलाव लाने का एक नज़रिया है, ये आगे बढ़ने का एक मौका है। ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन दर्द इस बात का संकेत होता है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हम हारना नहीं चाहते, क्योंकि हम मानते हैं कि सफल लोग कभी हारते नहीं हैं। हम मानते हैं कि हमारे आदर्श और रोल मॉडल कभी हारते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि वो हमेशा जीतते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक अद्वितीय रणनीतिकार और राजनायक थे। उन्हें भी जीवन में हार का सामना करना पड़ा। कंस की मृत्यु के बाद कंस के ससुर ने विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण जो सर्वोच्च शक्ति के अवतार थे, आसानी से जरासंध की सेना को परास्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया था कि उनकी जीत मथुरा के लोगों के लिए कठिन होगी। कृष्ण ने निर्णय लिया कि वे युद्ध भूमि से पीछे हटेंगे, जिसकी वजह से उन्हें रणछोड़ का उपनाम मिला, जो कि उपहासजनक था। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने विषयों की भलाई की परवाह की। कृष्ण ने एक दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को नियुक्त किया, जिन्होंने अपने लोगों के लिए द्वारका का निर्माण किया। आप देख सकते हैं कि कृष्ण की हार का परिणाम मथुरा के लोगों के लिए एक शानदार शहर द्वारका था। कभी कभी हार एक तरह से छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। ये आपके लिए खुद की कल्पना से बेहतर का कोई रास्ता हो सकता है। हार को व्यक्तिगत रूप से कभी ना लें, उसे रक्षात्मक रूप से ना लें, और इसे अपने अहंकार का सवाल ना बनाएं। जब हार आपके लिए जीतने से बेहतर हो तो हार मान लें। उदाहरण के लिए, जब कोई आपकी बात सुनने या समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट में हार मान लेना ही ठीक है। उन रिश्तों को छोड़ना ठीक है जो हमेशा आपको चोट पहुंचाते हैं। उन अवसरों को छोड़ना बहुत ठीक होगा जो कि जहरीले हैं और आपके मन की शांति को चुरा लेते हैं। हारना तब ठीक होगा जो आपको परिस्थिति से सीखने और बेहतर होने में मदद करे। हार से कभी डरे नहीं, क्योंकि जितना आप हारेंगे उतना ही आप सीखेंगे भी कि जीतने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीत उन्हीं को मिलती है जो हारने के लिए तैयार होते हैं। जितना अधिक आप हारेंगे उतनी ही अधिक सफलता आपके पास आएगी। जीत आपको बताती है कि आप सफलता के करीब हैं, लेकिन हार आपको बताती है कि आप प्रगति के रास्ते पे हैं। हार निश्चित रूप से आपको जिंदगी के अगले अध्याय की ओर ले जा सकती है, यदि आप आने वाले कल के पन्ने को पलटने के लिए तैयार हों। शुभमस्तु। नमस्कार।